मैन आईपीएल लगातार अच्छा जा रहा है, नाइट में भी अच्छा गया, कल भी परसों भी, यानी जितना मुकाबला कवर कर रहा हूँ लगातार अच्छा जा रहा है, वो भी मिनी जीएल जीएल आ रहा है। अब यहाँ पर देखो हमारा यूजर जीएल बिन कह रहा है, कैसे नहीं करेगा क्योंकि ट्रंप प्लेयर जो वर्क कर रहा है। तो मेरे भाई भगवान की कृपा से फिर से धमाका करेंगे हम लोग सारे भाई मिलकर, मुंबई वोमेन वर्सेस यूपी वोमेन। अब देखो ये भी मैं बताता हूँ कौन सी टीम विन करेगी। सबसे बड़ा चीज़ है फैंटेसी में कि जिन्होंने ये समझ लिया कि कौन सी टीम विन करेगी, भैया प्लेयर ज़्यादा उनका पिक करो, वहीं पे क्लीन स्वीप हो जाता है। और बैक टू बैक ट्रेडिंग भी अच्छा जा रहा है, विजन इलेवन 7-4 का कॉम्बिनेशन और भी ज़बरदस्त। और ग्रांड लीग में तो हमारे तमाम यूजर्स तहलका मचा रहा, राधा यादव कैप्टन निकला, आशा सोभाना को पहले मुकाबले में वो कैप्टन निकला। नाइट में देखोगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर, सारे गेंदबाज क्यों मैंने लिया था, वन साइडेड तरीका से विन किया। तो मज़ा आ रहा है, जिनको मज़ा नहीं आ रहा है वो खुद गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? फोकस नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा खुद पे ध्यान रखोगे। मैं अगर यदि 49 रुपया में 4900 रुपया विन कराने की कोशिश करता हूँ तो आप 49,000 विन कर सकते हो, बस एक दो चेंज करोगे तो लगातार अच्छा जा रहा है, लोगों भी विन कर रहे हैं, मैं भी विन कर रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है। तो तमाम हमारे भाई हो तैयार, अगर यदि इस मुकाबले को हमारे साथ फिर से खेलना चाहते हो और जीएल पर ज़बरदस्त रैंक लाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावे जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई, सारा कुछ टेलीग्राम पर ही तो मैं देता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है? तो मेरे भाई जैसा कि आप हमारा इस प्रकार से वीडियो देख रहे होंगे, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे मोर दिख रहा है ना, मोर पे क्लिक करने से क्या होगा, बड़ा दिखेगा, बड़ा में क्या दिखेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक सौरभ सामाजिक 84, इसी पे क्लिक यानी टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे। या फिर इससे भी आसान कमेंट देख रहे हो ना, कमेंट पर ही क्लिक करना। जैसे कमेंट पर क्लिक करोगे फर्स्ट कमेंट पर ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा ब्लू कलर में, सौरभ सामाजिक 84, इसी पे फिर से क्लिक या टच करना है, सेम हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे। जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, बहुत सारे फेक चैनल है, 53 के 54 के सब्सक्राइबर के आसपास। यहाँ पर हर मैच का जो भी प्रिडिक्शन वगैरह कुछ भी दिया जाता है बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो आप बने रहो। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई वोमेन, पहला मुकाबला क्या किया, विन करके आया, गेंदबाजी क्या रही, ज़्यादा खास नहीं रहे। एन स्काइबर ब्रंट 2 विकेट ले गए, तो एमिलिया कर्न भी 2 विकेट ले गया, एस इस्माइल 1 विकेट, ऐसे साक की बात के इन्होंने 3 ओवर की जरूर गेंदबाजी की। अब यहाँ से देखोगे हाइले मैथ्यूज 2 ओवर ही गेंदबाजी करती है, पूजा वस्ट्राकर 2 ओवर गेंदबाजी करती है, बाकी यहाँ से हरमनप्रीत कौर 55 और याटिका भाटिया की बात का इन्होंने 57, तो दोनों ने उच्चतम इनिंग यहाँ पर खेल लिया। अब दूसरे मुकाबले मुंबई ने क्या करके आ रहा है, मुंबई कुछ नहीं किया मेरे भाई, यहाँ से समझो इस इस्माइल 3 विकेट लगे, ये एक ऐसा गेंदबाज है जो शुरुआती झटके पावर प्ले में झटका देने के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, तो याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अगर यदि सामने वाले टीम के ओपनर प्लस वन डाउन बल्लेबाज पर रिस्क ले रहे हो तो। एन स्काइबर ब्रंट 4 ओवर अगर यदि कंप्लीट करेगा, कैप्टन वीसी का तगड़ा च्वाइस होगा, वैसे भी 1 डाउन आ रहा है तो कैप्टन वीसी होना चाहिए। एच मैथ्यू जीएल का ट्रंप कार्ड होगा, क्यों देखो ये भी 4 ओवर कर रही है, ओपन आ रही है, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा सा ये जो है ना स्ट्रगल कर रही है, यही एक दिक्कत है, वरना 4 ओवर जिस तरह से इन्होंने कंप्लीट किया और 19वां ओवर भी ये डालने के लिए, थोड़ा सा दुर्भाग्य है, वहाँ पर 1-2 विकेट और मिलना चाहिए था। खैर कोई नहीं, फैंटेसी है, इधर उधर होते रहता है, इनसे घबराना नहीं चाहिए, जो बढ़िया प्लेयर है बढ़िया करेगा, एक आख मैच में फॉलो हो जाता है। एमिलिया केर खास बात इनकी है कि भैया विकेट टेकर गेंदबाज है, बल्लेबाजी तो कमाल की करती है लेकिन बल्लेबाजी थोड़ा नीचे आता, चलो बल्लेबाजी को ड्रॉप करके चल, लेकिन गेंदबाजी ही वैसा करती है ना, 20वां ओवर स्पिनर है लेके आ गई, विकटें ले गई, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। पूजा वस्ट्रा का जीएल का ट्रंप कार्ड रहेगा। इनके अलावे देखा जाए संत्या मूर्ति की बात की जाए, इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा है और 3 ओवर किया, लेकिन क्या बात है पता है आपको, इस ईसा की 1 ही ओवर किया, क्यों किया थोड़ा सा दिक्कत है, अब लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन वो अलग की बात है भाई, गेंदबाज है तो किसी का भी कभी भी विकेट लेने की क्षमता रखता है, तो ये ओवर जो कट होता है ना ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, आपने किसी ट्रंप प्लेयर को पिक किया और वो ओवर ही ना डाले, बुरा बहुत लगता है। या टीका भाटिया 7 रन इंपॉर्टेंट रहेगा, इस मैथ्यूज भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एन स्काइबर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हरमनप्रीत कौर भी, एमिलिया कर भी, भाई इनके पास देखो कितने सारे, इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते, इनको भी 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 नहीं,
इनको भी नहीं देखा जाए तो। अब पूजा वस्ट्राकर एक दो ओवर डाल रही है और बल्लेबाजी नीचे आ रही थी ये मानकर, लेकिन है तो एक बढ़िया ऑलराउंडर। हरमनप्रीत कौर को कब ड्रॉप कर सकते हो, लगे कि ये तीन से ही मैच को फिनिश कर देगा तब, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर ड्रॉप नहीं कर सकते। यूपी वोमेन नज़दीकी मुकाबला हार के आ रही है। यूपी वोमेन्स की देखा जाए तो थोड़ा सा दिक्कत है, इनका फर्स्ट विन का यहाँ पर इंतजार इनका चल रहा है, पहला विनिंग ये कब होगा। इनकी टीम लगातार दो मैच लॉस करके आ रही है, तो वहीं मुंबई जो है लगातार दो मैच विन करके आ रही है, एक तगड़ा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यूपी की तरफ से देखा जाए भी दिनेश स्ट्रगल करके 18 रन जड़ा, टीएमसी गर्ल ग्रेस हैरिस ठीक ठाक लय में है, एस सिरावत इंडिया का डोमेस्टिक प्लेयर, इनके बारे में मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, इंडिया का डोमेस्टिक प्लेयर जैसे एस सुभाना, जैसे देखा जाए क्या था सुभाना लास्ट में नाइट में कौन था भाई, शायद एस मेघना था, उनके बारे में मैं बार बार कहता हूँ, दोनों मैच में मैंने उनको पिक किया, क्या करके दिया, गजब करके दिया। तो इनकी टीम थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इनके टीम में अच्छे अच्छे गेंदबाज जरूर है, जैसे कि गायकवाड़ हो गया, दीप्ति शर्मा, सोफी लेस्टोन हो गया, तीन ट्रंप स्पिनर है। अब यूपी लास्ट मुकाबला क्या करके आ रही है, पहले मुकाबले की तुलना में और भी बदतर प्रदर्शन करके आ रही है, यानी बहुत खराब प्रदर्शन करके आ रही है भाई। 119 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाते हैं, सिरावत का 45 बाकी, देखो कोई 15 का भी स्कोर नहीं कर पाया भाई, एक प्लेयर से कैसे विन होगा। ग्रेस हैरिस जरूर यहाँ पर 17 जड़ा ठीक ठाक लय में, टीएमसी गर्त और हेली को कुछ बड़ा इनिंग खेलना होगा तभी इनकी टीम सुधर सकती है, वरना इनकी टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है मुश्किल है। और मुंबई जिस तरह से प्रदर्शन करके आ रही है भाई, एक और हार यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूपी वॉरियर्स का, तो देखना दिलचस्प होगा। अब इनकी गेंदबाजी क्या रही, गेंदबाजी बिल्कुल साधारण, यानी एक भी विकेट कोई गेंदबाज नहीं ले गए। अब कहोगे सोफी लेस्टोन एक विकेट ले गए, भाई गलत बॉल पे लास्ट एक रन की जरूरत था, एक विकेट ले गए, वो कोई ज़्यादा मायने है नहीं। तो चलिए अब कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं जो हमेशा से करती आ रही है। जी हाँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कोई जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। अब चलिए मुंबई की टीम स्ट्रॉन्ग है तो पहले मुंबई का बेस्ट प्लेयर पिक करते हैं। मुंबई के बेस्ट प्लेयर में इस्माइल का नाम आता है भाई, 1 2 3 तीनों को तो पिक करना ही है, कैप्टन बीसी के बारे में सोचना है। हरमनप्रीत कौर बुरा ऑप्शन है, या टीका भाटिया, यहाँ तक सही है। अब यहाँ से एक चीज़ समझना होगा, जिस तरह से तीन ओवर इन्होंने गेंदबाजी किया था कौन था भाई, यहाँ से देख सकते हो, ये है लेग ब्रेक गेंदबाज। अब यहाँ से एक चीज़ समझना होगा, ये लास्ट सीजन काफ़ी बढ़िया कर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो हमें लगता है ये इस बार बढ़िया करना चाहिए। पूजा वस्ट्राकर बुरा ऑप्शन है, अब सामने वाले टीम का बेस्ट प्लेयर के ऊपर चलता है। देखो बेस्ट प्लेयर में पहले तो सोफी लेस्टोन का नाम आता है, दीप्ति शर्मा का नाम आता है, टीएमसी गत का नाम आता है, ग्रेस हैरिस का नाम आता है भैया, और एक जो पिक यहाँ पर करना है ये आपको विन लॉस है, हेली को पिक कर सकते हो, या फिर हेली की जगह एक एक्स्ट्रा गेंदबाज यहाँ पर आर गायकवाड के साथ जा सकते हो, जी सुल्ताना के साथ जा सकते हो, या फिर मुंबई को और स्ट्रोंग करना चाहते हो तो पूजा वस्ट्राकर को पिक कर सकते हो, हरमनप्रीत कौर का बल्लेबाजी आ सकता है, हरमनप्रीत कौर को पिक कर सकते हो। तो मेरे भाई इस मैच में सबसे बड़ा रोल होने वाला एक दो प्लेयर का और कैप्टन भीसी का। अब कैप्टन भीसी किनको दोगे, देखो ऑप्शन देखो पहले, इतने सारे, अब ये मत बोलोगे सोफी लेस्टोन अभी तक प्रदर्शन नहीं किया, दीप्ति शर्मा भी प्रदर्शन अभी तक नहीं किया, हैली मैथ्यूज भी अभी तक ज़्यादा प्रदर्शन नहीं किया, तो ये लोग कैप्टन बीसी का ऑप्शन नहीं होगा भाई। प्रदर्शन करेगा, सबका सिलेक्शन होगा तब पिक करोगे, सिलेक्शन पे मत जाओ मेरे भाई, वो छोड़ो, कैप्टन बीसी का च्वाइस देखो, जो बढ़िया कर क्रिकेट करियर उनका कहता है कि बढ़िया किया है। अभी तो लोग मिलाकर चार विकेट लिए, इनके साथ जाएगा, लोग जाना भी चाहिए, बुरा नहीं है, बुरा कोई नहीं है, जितने कैप्टन वॉइस का मैंने च्वाइस बताया। लेकिन हमारा जो कैप्टन होने वाला है, मैं फिर से यहाँ से एच मैथ्यूज के ऊपर ही मैं जाने वाला हूँ कैप्टनशिप, और वीसी हमारा एन स्काइबर होगा। अब मेरा रिस्क रहे या फिर सेफ रहे, जो रहे, मुझे जो बेहतर लगा मैंने यहाँ पर पिक किया, तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।
आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए। लक्ष्मी माँ, विषहरी माँ, अन्य भगवान सबसे मैं यही दुआ करूँगा, आप भी भगवान से दुआ करो हम लोगों का शानदार विनिंग हो, मिलकर प्रॉफिट कमाए और निरंतर आगे